हेलो एवरीवन, सो ग्रेग शॉर्ट हैंड का चैप्टर 3 लेकर आया हूँ। सो इसमें 5 वर्ड और 3 मतलब कुल मिला के 8 वर्ड डिस्कस करने वाला हूँ। आज का टॉपिक होगा डाउन स्ट्रोक वर्ड्स। डाउन स्ट्रोक मतलब पहले जो हमने सारे डिस्कस करे थे वो अप स्ट्रोक वाले थे, ठीक है, अप स्ट्रोक की तरफ जा रहे थे। इस बार हम लोग डाउन स्ट्रोक की तरफ जाएंगे। ये अलग सेट है और इनको अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया विद जो अपकमिंग एक्सरसाइज होगी तो उसका मतलब है आपने 70% पूरा ये कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद सिर्फ आपको अपनी राइटिंग स्किल फास्ट करने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट करते हैं। 5 वर्ड मैंने लिए हैं, PBSFV। सो जैसे मैंने पहले भी पी वी और एस के बारे में बताया था थोड़ा बहुत, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि डाउन स्ट्रोक के वर्ड्स हैं। पी को जैसे हम लोग रनिंग हेड्स हैं, इनका एक मैं ट्रिक बताता हूँ जिससे याद करने में और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पी को हम लोग लिखते हैं ऐसे, पी सिंपल रनिंग हैंड से। तो ये जो एरिया होता है इसको हम लोग लेंगे और ये आपका बन गया पी। सेम गोज विद बी। वी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये जो चीज़ होती है इसका साइड की जो लाइन है यही लॉन्ग में बी बन गया। सिंपल ट्रिक। एस का क्या होता है, एस हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमने लेनी है, ठीक है, ये वाली चीज़, ये जो चीज़ है ये स्मॉल एस बन गया, ठीक है। एफ हम लोग कैसे लिखते हैं, ये जो चीज़ है ये एफ बन गई। वी अगर हम लोग रनिंग हैंड से लिखते हैं तो कभी कभी हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये जो चीज़ है लॉन्ग में ये बन गई वी। तो आप देख रहे होंगे ये स्मॉल है ये लॉन्ग है, स्मॉल मीडियम लॉन्ग। और याद करने की ट्रिक ये है, चलिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स आ गए फिग फिग फिग, तीनों वर्ड्स आएंगे फिग में। तो पहले हम लोग लिखते हैं एफ, एफ आएगा मीडियम, एफ आई और जी आता लॉन्ग, फिग सिंपल। सेम गोज विद वेन, वेन VAN वेन वेन, इसमें ए में थोड़ा सा हम लोग वो लगाएंगे डैश लगाएंगे तो वेन हो जाएगा उससे, ठीक है। सो वेन कैसे लिखेंगे, VAN, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट और इसमें एक डैश लगा देंगे वेन सिंपल। पाम पाम, ए ए इसमें मिडिल साउंड कर रहा है तो पाम, ओके, और डॉट लगाएंगे हम लोग। तो पाम कैसे लिखेंगे, पी हम लोग लिखेंगे पी ए और लॉन्ग एम पाम और एक डॉट लगा देंगे पाम सिंपल। बीट BET बीट बीट, ई ए आ रहा है तो एक डैश लगाएंगे, ओके। बीट कैसे लिखेंगे, बी लॉन्ग लेंगे बी ई और टी ऊपर की तरफ बीट और एक डैश लगा देंगे बीट। सी 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 कैसे लिखते हैं, सी लिखना सबसे आसान है SE सिंपल सी। अच्छा इसके बाद हम लोग वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं और तीन तीन, ये जो वर्ड हैं ये थोड़े डिफिकल्ट हैं समझने में दिक्कत करते हैं और इनको मतलब सिर्फ ये तीन हैं जिनको रटना है सिंपल, क्योंकि इनका शॉर्टकट याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। जे हम लोग स्टार्टिंग से, मैं जे से समझाता हूँ। जे अब जे होता है सबसे लंबा, जे इसका सिंपल ऐसे डॉट लगा देंगे, ये उसकी तरह नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना, ये टी और डी की तरह नहीं है। हम लोग अगर हम मैं डिस्क्राइब करूं टी और डी को, टी और डी, टी और डी में ऐसे और ऐसे होता है, ठीक है, बट ये ना इससे थोड़ा, ये थोड़े 45 डिग्री के एंगल में होते हैं, ठीक है। और ये, और जैसे ये है ये थोड़े से इसमें है क्या कहते हैं आपके 60 डिग्री के एंगल में बन रहा है वाला, ठीक है। अब जैसे कि आप इसको देखें, इन तीनों में अगर डिफरेंस करना हो तो वैसे इसका कोई शॉर्टकट तो ऐसा सच है नहीं, बस ये बोल सकते कि जो जे है जे के लिए सिंपल, जैसे हम लोग रनिंग में बनाते ना जे ऐसे ऐसे, तो ये हो गया सबसे लॉन्ग वाला, ठीक है। बस इसी के रेफरेंस में जे, पहली बात तो मैं इसका प्रोनंसिएशन आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको च नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं चे चे, ठीक है, और इसको बोलते हैं श नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इश इश इश। जैसे आ, आ, इश मतलब इसमें ना ऐसे आएगा साउंड, जैसे आप ले लो फ्लैश में फ्लैश एश एश फ्लैश, तो ये वाला इश आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे चे हो गया, चे और इश, इश थोड़ा छोटा सा लग रहा है इश, ठीक है, तो एक छोटा सा टिक आ गया, और चे चे ये मिड वाला आ जाएगा ऐसे ऐसे। इन दोनों को कोई याद करने का कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं है, बस एक जे का रेफरेंस ले लो, जे के बाद ऐसे आता है असेंडिंग ऑर्डर में इश
जे और जे, ऐसे ये तीनों असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं, इसके एग्जांपल्स आ गए जैसे फ्लैश, फ्लैश एफ एल ए श, फ्लैश फ्लैश। तो इसको याद कैसे करेंगे, फ्लैश के लिए सीधे मीडियम बनाएंगे, एफ एल ए श, ऐसे थोड़ा छोटा सा फ्लैश, ठीक है। मतलब ये सारे डाउनवर्ड्स के हैं, ठीक है। जैसे मैंने श के लिए नीचे की ओर खींचा, वैसी एफ एफ ऊपर, जैसे मैंने डिस्कस किया था, एफ आ गया, एफ एफ लिया, उसको भी डाउनवर्ड्स खींचा था मैंने, एफ एल ए श, ऐसे, ठीक है। डैश डैश डी ए एस एच श, डैश, ठीक है। डैश के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल देते हैं, जैसे डी हो गया डी, अब डी जो है डी अपर स्ट्रोक होता है लॉन्ग में, डी ए श, ठीक है, डैश ऐसे बनेगा, ठीक है। चीट सी एच ई टी, च ची ईट, चीट, ठीक है। तो ची के लिए क्या करेंगे हम लोग, ची के लिए हम लोग सिंपल देते हैं ची ई और ऊपर की ओर ये ट, चीट, ठीक है, क्योंकि इसमें ई आ रहा, ई ए आ रहा है, ची स्पेसिफिक, तो इसको हम लोग स्पेसिफिकली लिखेंगे। मतलब अगर थोड़ा सा लंबा लिख के दिखाओ तो मैं आपको, जैसे जैसे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ची ई ट, चीट, ऐसे, ठीक है। जिग जिग, जिग में पूरा आएगा। अब इसमें जे, जैसे इधर इधर लिखा हुआ है जे, लॉन्ग वाला आएगा जे, ठीक है, जे डाउनवर्ड्स लॉन्ग, जे आई और जी, जी जैसे पहले मैंने दिखाया था ऐसे होता है लॉन्ग में, जिग, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, जिग जिग। अब इसके बाद वर्ड आता है जैप, जे ए पी, जैप। जैप के लिए सिंपली हम लोग जे लेंगे लॉन्ग जे, ठीक है। अब इसके बाद ए और पी, जैसे हम लोग इधर, जैसे हम लोगों ने इधर देखा था ये वाला पी, जैप, सिंपली जैप। ओके एवरीवन, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल यही जो हमने वर्ड्स डिस्कस करे इन्हीं के बेस पे, जिससे और ज्यादा आप रिफाइंड तरीके से इसको फॉलो अप कर पाए, कैचअप कर पाए, और वर्ड्स अगर कोई दे तो बना भी पाए और ट्रांसक्रिप्ट भी कर पाए। थैंक यू एवरीवन।